कुछ वोकैबुलरीज डिस्कस करनी है, ठीक है? जब नाम बदला है तो कुछ चीजें भी बदली हैं, ओके? सो लेट्स डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्टैक, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्टैक, ठीक है? सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो आपको स्टैक पे समझनी है, राइट? जब आप स्टैक के अंदर कोई डेटा स्टोर करते हैं, जब आप स्टैक के अंदर कोई डेटा स्टोर करते हैं, रादर देन यूजिंग द वर्ड मैंने डेटा इंसर्ट या ऐड करा, वी यूज द वर्ड PUSH एंड वी से मैंने डेटा स्टैक में पुश करा। आई रिपीट, व्हेनेवर वी ऐड सम डेटा इन द स्टैक, रादर देन सेइंग वी आर एडिंग और इंसर्टिंग और प्लेसिंग द एलिमेंट इन द स्टैक, वी ट्राई टू यूज द वर्ड वी आर पुशिंग एलिमेंट्स इन द स्टैक। यानी स्टैक में डेटा इंसर्ट करने के प्रोसेस को डेटा स्ट्रक्चर की वोकैबुलरी में हमेशा बुलाया जाता है पुश ऑपरेशन, हमेशा बुलाया जाता है पुश ऑपरेशन। तो सबसे पहला ऑपरेशन, क्योंकि इसी नाम पे प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस बनाएंगे, इसी नाम को प्रोग्रामिंग में हम एल्गोरिदम्स में यूज करेंगे, राइट? है बस ये एक नाम ही, लेकिन इतना कॉमन नाम है कि इसके अलावा कोई और नाम स्टैक में डेटा के इंसर्शन को नहीं दिया जाता। वी नेवर से हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, वी ऑलवेज से हम डेटा पुश कर रहे हैं। सो पुश इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन द स्टैक, इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन द स्टैक। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये पिछली स्लाइड में क्या हो रहा है, ये 10-20 पे क्या हो रहा है, तो आप वोकैबुलरी वाइज मुझे बोलेंगे, सर आप 10 को पुश कर रहे हो, फिर आपने 20 को पुश करा, ऐसे करते करते आपने लास्ट एलिमेंट जो पुश करा दैट वॉज 50, राइट? इन नॉर्मल वर्ड्स वी कैन से हमने डेटा एड या इंसर्ट करा, बट इन डेटा स्ट्रक्चर टर्मोलॉजी वी से हमने स्टैक में डेटा पुश करा। सो पुश इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एलिमेंट्स इन द स्टैक। और पुश एक एक करके एलिमेंट्स होते हैं, एक साथ सारे होते हैं? पुश एक एक करके होगा कि एक साथ सारे हो जाएंगे? वन बाय वन। तभी तो हम बार बार कह रहे हैं इट इज अ सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, राइट? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन द स्टैक वन एट अ टाइम। रिमेंबर दिस, राइट? तो स्टैक में बल्क एलिमेंट एक साथ नहीं डाले जाते, वी ऑलवेज पुश एलिमेंट्स इन द स्टैक वन बाय वन, और तभी वो ऑर्डर्ड हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अब आप एरे में से डेटा रिमूव कर सकते हैं। अगर एक एरे है तो आप उसमें से डेटा हटा सकते हैं, राइट? आप उसे रिमूवल बोलेंगे, डिलीशन बोलेंगे, बट इन द स्टैक वोकैबुलरी हम बोलेंगे कि हम डेटा स्टैक में से पॉप करते हैं, हम डेटा स्टैक में से पॉप करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे स्टैक में से 50 हटाना है, आई वॉन्ट टू रिमूव 50 फ्रॉम दिस स्टैक, तो आप मुझे बोलेंगे सर हटाना नहीं, से हमें 50 पॉप करना है। When we try to remove any element from the stack, we say we are popping it. When we try to insert element in the stack, we say we are pushing it. Right? So these are two very famous operations जो आप stack बनाते वक्त handle करेंगे, क्योंकि आप C में करेंगे तो ये बन जाएंगे function. अगर आप C++ या Java में करते तो ये class के अंदर के बन जाते methods. फिलहाल ये C में अपने आप में बनेंगे functions. So let's talk about pop. What is pop? Pop is the process of removing elements from the stack. Right? अब आप मुझे बताइए, जब आप pop करेंगे तब एक एक करके elements pop होंगे या एक साथ सारे हो जाएंगे? Yes, 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 Shriram, I am coming to this point. Just wait for 2 minutes. उसी point पे आ रहा हूं मैं। जब आप स्टैक में से डेटा पॉप करेंगे तो एक एक करके करेंगे, राइट? और मैंने आपसे क्या बोला, स्टैक सीक्वेंशियल एक्सेस देता है। इसका मतलब स्टैक में जब भी पॉपिंग होती है, प्लीज एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली, स्टैक में जब पॉपिंग होती है आप अपने चॉइस का डेटा पॉप नहीं कर सकते, आप अपने चॉइस का डेटा पॉप नहीं कर सकते, आप उसी डेटा को पॉप करेंगे जो स्टैक में बिल्कुल टॉप पे है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जब हम पॉप करते हैं तो हम डेटा बताते हैं कौन सा डेटा पॉप होना है, तो आपका जवाब होगा नहीं बताते। जब भी हम पॉप करते हैं डेटा वो पॉप होता है विच इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैक, डेटा वो पॉप होता है
विच इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैक. और जब हम पुश करते हैं तो अपने मन का डेटा पुश कर सकते हैं, जब हम पुश करते हैं तो अपने चॉइस का डेटा पुश कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. डेटा क्या पुश होगा हम डिसाइड करेंगे, लेकिन कौन सा डेटा पॉप होगा ये प्री डिसाइडेड है. जब भी पॉप होगा स्टैक का टॉप एलिमेंट ही पॉप होगा. मैं फिर याद दिला दूं, मैंने आपसे कहा स्टैक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है एरे का, इसलिए हमें ये रेस्ट्रिक्शंस मानने पड़ेंगे. यस 30 पॉप नहीं हो सकता जब तक 40 और 50 को हम पॉप ना करें. पहले 50 और 40 हटेंगे, उसके बाद 30 को हटाया जा सकता है. ठीक, अगर आपको लग रहा है सर अगर करना हो 30 को पॉप तो पहले 50 40 पॉप होकर कहीं पे रखिए, फिर 30 को पॉप करिए और फिर वापस 40 और 50 को स्टैक में पुश करिए. समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप एरे की तरह नहीं कह सकते कि हम 30 हटा देते हैं और बाकियों को शिफ्ट कर देते हैं. यही तो प्रॉब्लम है कि एरे रैंडम एक्सेस देता है, स्टैक रैंडम नहीं देता, ऑर्डर्ड वे में एक्सेस देता है. सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? वी ऑलवेज पॉप द एलिमेंट सिटिंग एट द टॉप ऑफ द स्टैक. आप जब भी पॉप करेंगे टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप करेंगे, राइट? कहीं पे भी रख सकते हैं मीनाक्षी, हमारे पास एक ऑक्सिलरी स्टोरेज होगा, एक दूसरा एरे होगा, कुछ भी होगा जहां पे हम रख सकते हैं, वेरिएबल में रख सकते हैं. हाउ डज मैटर कि हम कहां रख रहे हैं, कहीं भी रख लीजिए, इट्स अप टू यू. टेम्पररी बना के रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए. आहा कृति आप गलत बोल रहे हो, पुश हमारे मर्जी के इंडेक्स पे नहीं हो रहा है. समझिए डेटा तो हम ही दे रहे हैं ना. क्यों कृति आप बताइए, क्या ये जरूरी है कि मैं 10 के बाद 20 पुश करूं, मैं 10 के बाद 45 पुश नहीं कर सकता क्या? कृति आंसर दिस क्वेश्चन. कृति का कहना है डेटा हमारी मर्जी से कहां पुश हो रहा है, डेटा हमारी मर्जी का ही पुश हो रहा है, सिर्फ उसकी पोजीशन डिसाइड कर रहा है स्टैक. सही बोल रहा हूं आप बताइए, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है 10 के बाद 20 पुश हो रहा है, क्या जरूरी है ये 20 हो, क्या ये 20 की जगह 45 नहीं हो सकता क्या? आप बताइए मुझे, एग्जांपल लेता हूं मैं एग्जांपल लेता हूं. मुझे आप सबकी एज स्टैक में पुश करनी है, मुझे आप सबकी एज स्टैक में पुश करनी है. आपको क्या लगता है इस लेक्चर में जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी एज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी? सबकी एज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी अगर मैं आप लोगों से एज टाइप करने को बोलूं, नहीं होगी ना, सबकी कुछ ना कुछ एज होगी. तो अगर मैं आपकी एज स्टैक में रखूंगा तो एज आपकी मैं बता रहा हूं या आप बता रहे हैं क्या है, बस उसका जो पोजिशन है वो स्टैक डिसाइड कर रहा है. कृति दो चीजों को मिक्स नहीं कीजिएगा, डेटा कौन सा पुश होगा हम डिसाइड करेंगे, डेटा कहां पर जाकर स्टैक में रहेगा ये डिसीजन स्टैक का है. यस, पॉप में हम नहीं बता सकते कौन सा पॉप होगा, पॉप वही होगा जो स्टैक में टॉप पे है. ठीक है, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूं, मैं आपको एक अच्छा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं. आप किसी लेडी किसी फीमेल में के हाथों की चूड़ियों का स्ट्रक्चर याद कीजिए. इमेजिन करिए किसी लड़की के सामने खूब सारी चूड़ियां रखी है, वो अपने हाथ में कौन सी चूड़ी सबसे पहले डालेगी ये वो डिसाइड करेगी ना. आप बताइए, है ना, समझने की कोशिश करिएगा, वो डिसाइड करेगी ना कौन सा बैंगल वो डालेगी. जब सारे बैंगल्स उसके हाथ में आ जाएंगे तो अब जब वो बैंगल्स निकालेगी तो अपने चॉइस का बैंगल निकाल सकती है हाथ से बाहर? आपको नहीं लगता जो बैंगल आ गए हैं पहले वो हटेंगे फिर अगला बैंगल आएगा? बस यही तो स्टैक है. अगर आप प्रोग्रामर की नजर से देखें तो यही स्टैक है. प्रोग्रामिंग पढ़ने का यही खराब बात है, फिर दुनिया में हर चीज प्रोग्रामर अपने चश्मे से देखता है. तो कल को कोई चूड़ियां पहनती भी दिखेगी तो हमको लगेगा चूड़ी पुश कर रही है और चूड़ी पॉप कर रही है. सोच कर देखिए, राइट? समझिए, फनी सा एग्जांपल है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझा देगा. जब चूड़ी पुश होगी तो कौन सी चूड़ी पुश होगी दैट गर्ल विल डिसाइड, लेकिन जब चूड़ी पॉप होगी वो अपने चॉइस से पॉप नहीं कर सकती, पहले उसे ऊपर वाली चूड़ियां हटानी पड़ेंगी फिर उससे नीचे वाली चूड़ी पॉप होगी. अभी समझ आया, क्लियर हो गया स्टैक का ऑपरेशन? ठीक है, तो अब आते हैं इस थर्ड पॉइंट पे जो इस डिस्कशन से कनेक्टेड है. ठीक, और वो थर्ड पॉइंट है द वर्ड विच इज कॉल्ड लीफो, जो आप में से बहुत से लोग बार बार बोल रहे हैं.
नहीं सतीश, स्टैक को बनाया जानबूझ के ऐसा गया है, इट्स नॉट अ डिसएडवांटेज सतीश, वी हैव क्रिएटेड पर्पसली, हम ऐसा करते हैं जानबूझ के क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस इस कारण से इजी हो जाते हैं, समझ रहे हैं सतीश? ये हम ही ने तो लगाए रेस्ट्रिक्शन, हम प्रोग्रामर्स के ही तो रेस्ट्रिक्शन है, राइट? स्टैक कभी नहीं कहता, ध्यान दीजिएगा, सी लैंग्वेज कभी नहीं बोलेगी कि आपने 50 की जगह 40 कैसे पॉप कर लिया, कोडिंग तो आप लिख रहे हैं, आपको जो पॉप करना है कीजिए, बट जो रूल्स है डेटा स्ट्रक्चर के वो ये कहते हैं कि अगर आपने रैंडमली पॉप कर लिया फिर आप ये मत बोलिए कि आप स्टैक यूज कर रहे हैं, फिर कहिए कि आप एरे यूज कर रहे हैं, राइट? चलिए आप ध्यान से सुनिए, सिंस स्टैक इज ओपन फ्रॉम वन एंड, सिंस स्टैक इज ओपन फ्रॉम वन एंड ओनली, एलिमेंट the element inserted last will be the one to be removed first. Can I say this? The element inserted last will be the one to be removed first. Inserted को stack की vocabulary में बोल दूं pushed, ताकि आपको याद रहे inserted हमेशा नहीं बोलना है, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, और removed को मैं बोल दूं popped, right? Thus, we say stack is based on. Thus, we say a stack is based on last in, first out order. Last in, first out order. Okay. Okay. Jitendra has a doubt. So when we define stack, there will be a garbage inside all the indexes. Then we can remove garbage from index for directory and it will be pushed. Means, अभी देखो जितेंद्र आप कैसे निकालते हो stack से data. Just wait, मैं बता रहा हूँ. अभी discussion पूरा नहीं हुआ है. Stack में data कहाँ से आएगा? उसका एक logic है. ये तो समझ में आ गया. Top index से आएगा. हमें कैसे पता चलेगा कि top index अभी कौन सा है? समझिएगा जितेंद्र, right? Just wait for 2 minutes. बताइए फिलहाल ये वोकैबुलरीज क्लियर है, फिलहाल ये वोकैबुलरीज क्लियर है, ठीक है? अब नेक्स्ट वोकैबुलरी पे आते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं. जैसे पुश है, जैसे पॉप है, वैसे याद रखिएगा देयर इज वन मोर वर्ड यूज विद स्टैक जो हम प्रोग्रामिंग में खूब यूज करेंगे एंड इट इज कॉल्ड एज पीक. अगर आप चेक करें नॉर्मली तो स्टैक को जब आप स्टैक को जब आप वॉच करते हैं तो आप स्टैक को एक तरह से झांक रहे हैं. स्टैक में झांकना कहलाता है, स्टैक पे आप पीपिंग कर रहे हैं. पीपिंग सिर्फ ये बताता है टॉप एलिमेंट कौन सा है, पॉपिंग बताता नहीं है, स्टैक से टॉप एलिमेंट हटा ही देता है. तो अगर मैं आपसे कहता हूं इस वाले स्टैक पे मैंने पॉप कॉल करा तो क्या होगा, इस वाले स्टैक पे जो लास्ट डायग्राम है उस पर मैंने पॉप चलाया तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 50 हट जाएगा, स्टैक में रह जाएंगे 4 एलिमेंट. 50 हट जाएगा, स्टैक में रह जाएंगे 4 एलिमेंट. और अगर मैं बोलूंगा मैंने पीप करा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये वैसा होगा जैसे हमने प्रिंट एफ कर दिया है. पीप मतलब हमने प्रिंट एफ करके स्टैक का टॉप डेटा प्रिंट कर दिया है. लेकिन याद रखिएगा पीप करेंगे तो क्या दिखेगा, वेरी गुड, लुक फ्रॉम द टॉप, एग्जैक्टली. पीप करेंगे तो क्या दिखेगा, टॉप एलिमेंट दिखेगा बस. आप यूं मान लीजिए आप वर्टिकली स्टैक को देख रहे हैं, ये स्टैक है, आप ऊपर से स्टैक को देख रहे हैं, एंड व्हेन यू आर वॉचिंग इट वर्टिकली आपको सिर्फ टॉप एलिमेंट नजर आएगा, आपको सिर्फ टॉप एलिमेंट नजर आएगा, राइट? तो पीप का मतलब है द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग. नोटिस करिएगा, नॉट रिमूविंग, ओनली एक्सेसिंग द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक. द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, स्टैक के टॉप एलिमेंट को एक्सेस करना, हटाना नहीं, इज कॉल्ड एज आप स्टैक में पीपिंग कर रहे हैं. बिल्कुल सही है रचित, बिल्कुल सही है. मतलब अगर आप इस वाले स्टैक पे पीपिंग करें रचित, एज पर योर क्वेश्चन जो मेरा फर्स्ट डायग्राम है, अगर इस पे पीपिंग करी जाए तो हमें क्या दिखेगा, 10 दिखेगा. बिल्कुल सही है, जो टॉप होगा वो दिखेगा. टॉप का मतलब ये नहीं इंडेक्स नंबर 4, टॉप का मतलब इस समय सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा है. ओके रचित, चले आगे. चलिए आप अगले बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे आ रहे हैं, अगले बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे आ रहे हैं, वापस आते हैं एरे पे. ये बताइए आप सबने एरे की प्रोग्रामिंग की है,
सी में सी प्लस प्लस में कहीं ना कहीं एरे पे काम करा होगा. टेल मी व्हेन यू डील विद एन एरे, जब आप एरे पे काम करते हैं तो सिर्फ एरे से काम हो जाता है प्रोग्राम में, सिर्फ एरे के बेस पर लूप चल जाता है, या आपको कुछ और भी चाहिए? आपको कुछ और चाहिए ना. एक इंटेजर आई लेते हैं ना अपन, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना प्रोग्रामिंग में इस आई का, राइट? जिसको आप फिर सी लैंग्वेज की बात करें तो शुरू करते हैं जीरो से, लेकर जाते हैं लेस देन इक्वल टू फोर तक, और फिर इसके अंदर आप डेटा स्टोर करने का कोड लिखते हैं, करेक्ट? कैन यू टेल मी व्हाट रोल आई इज प्लेइंग? कैन यू टेल मी व्हाट रोल आई इज प्लेइंग? यस. सी प्रोग्रामिंग में या दूसरी लैंग्वेजेस में भी यू से आई इज प्लेइंग द रोल ऑफ इंडेक्स. आ रहे हैं सुमन, आ रहे हैं, आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, आ रहे हैं. वन बाय वन, लेट मी प्रोसीड वन बाय वन. स्टैक में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? स्टैक पूरा भर जाएगा, फिर क्या होगा बताता हूं मैं. चलिए फिलहाल तो ये जो आई है, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ इंडेक्स. बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, स्टैक में भी डेटा कहां इंसर्ट होगा, कहां से पॉप होगा, इसकी इंडेक्सिंग होती है. और ये इंडेक्सिंग रखने वाले वेरिएबल को स्टैक की वोकैबुलरी में हम आई नहीं बुलाते, जे नहीं बुलाते, के नहीं बुलाते. स्टैक की वोकैबुलरी में इसको बुलाया जाता है टॉस. अगेन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वोकैबुलरी. है ये वही इंटेजर जिसे आप अभी तक आई के नाम से डिक्लेयर करते थे, अब हम प्रोग्रामिंग में इसको टॉस के नाम से डिक्लेयर करेंगे. और अगर कोई पूछेगा व्हाट डज टॉस स्टैंड फॉर, तो आप बोलोगे टॉस स्टैंड्स फॉर टॉप ऑफ स्टैक. क्या करता है ये टॉप ऑफ स्टैक? ये टॉप ऑफ स्टैक इंडेक्सिंग को पॉइंट करता है. मतलब हम कहते जरूर हैं, ध्यान से सुनना, हम कहते जरूर हैं कि ये पॉइंटर है, हम कहते जरूर हैं कि ये पॉइंटर है, लेकिन ये वो सी वाला पॉइंटर नहीं है. आई होप सबको पता होगा सी वाला पॉइंटर अपने अंदर क्या रखता है. व्हाट डज अ पॉइंटर होल्ड इन सी? एड्रेस. टॉस डजंट होल्ड एड्रेसेस. टॉस डजंट होल्ड एड्रेसेस. इट सिंपली होल्ड्स इंडेक्सेस ऑफ द स्टैक. इट सिंपली होल्ड्स इंडेक्सेस ऑफ द स्टैक. तो आप मुझे बताइए, जब स्टैक बिल्कुल भर जाएगा तो टॉस कहां पर होगा? जब स्टैक बिल्कुल भर जाएगा तो टॉस कहां पर होगा? इंडेक्स नंबर फोर पे होगा. जब स्टैक में सिर्फ दो एलिमेंट होंगे तो टॉस कहां पर होगा? जब स्टैक में सिर्फ दो एलिमेंट होंगे तो टॉस कहां पर होगा? इंडेक्स नंबर वन पे होगा. जब स्टैक में एक ही एलिमेंट होगा तो टॉस कहां पर होगा? इंडेक्स नंबर जीरो पे होगा. और जब स्टैक में कुछ नहीं होगा, लिसन केयरफुली, जब स्टैक में कुछ नहीं होगा तो टॉस माइनस वन पे होगा. आई रिपीट, जब स्टैक बिल्कुल भरा होगा तो टॉस फोर पे होगा. जब स्टैक में दो ही एलिमेंट होंगे तो टॉस वन पे होगा. जब स्टैक में एक ही एलिमेंट होगा, टॉस जीरो पे होगा. जब स्टैक में कुछ नहीं होगा तो टॉस माइनस वन पे होगा. यानी टॉस वो वेरिएबल है जो ये डिसाइड करेगा कौन से इंडेक्स पे पुशिंग होगी और कौन से इंडेक्स से पॉपिंग होगी. आई रिपीट, टॉस वो वेरिएबल है जो ये डिसाइड करेगा कौन से इंडेक्स पे पुशिंग होगी और कौन से इंडेक्स पे पॉपिंग होगी. कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप तो बोल रहे थे पुश हमारी मर्जी से होगा. मैं अभी भी कह रहा हूं डेटा हमारी मर्जी का होगा, लेकिन वो स्टैक में कौन से इंडेक्स पे जाएगा, ये डिसीजन लेने वाले वेरिएबल का नाम है TOS, which stands for top of stack. Is this point clear to everyone? समझ आया? यानी स्टैक जितना इंपॉर्टेंट टॉस है. अगर स्टैक को डेटा रखना है तो उसको डेटा सप्लाई करने के लिए इंडेक्सेस की जरूरत पड़ेगी, और वो इंडेक्सिंग स्टैक में मेंटेन करेगा टॉस. तो हम इसका नाम आई नहीं रख सकते क्या? हम टॉस को की जगह आई नहीं बोल सकते क्या? जस्ट लाइक वी यूज इन एरे, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं. लेकिन कल को जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आप क्रिटिसाइज, आपका क्रिटिसिज्म होगा कि आप अपनी वोकैबुलरी लेकर चल रहे हैं. जो इंडस्ट्री में वोकैबुलरी है वो ये है कि दिस वेरिएबल शुड बी कॉल्ड एज टॉस, जस्ट लाइक वी से इंसर्टिंग द एलिमेंट इज कॉल्ड पुश एंड रिमूविंग द एलिमेंट इज कॉल्ड पॉप. समझ आया? हुआ क्लियर? तो अगली इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो स्टैक में आपको समझनी है, दैट इज टॉस. ठीक है, क्या है टॉस? इट इज जस्ट अ वेरिएबल. किस डेटा टाइप का? किस डेटा टाइप का? इंटेजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, पॉइंटर, कैसा? इंटेजर, क्योंकि इट इज गोइंग टू होल्ड इंटेजर्स, बिकॉज इट इज गोइंग टू होल्ड इंडेक्सेस, राइट? तो अगर स्टैक कैरेक्टर का हुआ तो, अगर स्टैक में कैरेक्टर्स भरे गए तो क्या हो गया? इंडेक्स तो भी इंटेजर ही होंगे, मानते हैं?
स्टैक किसी का भी हो, स्टैक किसी का भी हो, टॉस इज ऑलवेज ऑफ टाइप इंटीजर। याद रखिएगा, अभी हम स्टैक इंटीजर्स का बनाएंगे, अगले वीक स्टैक कैरेक्टर्स का बनेगा, डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हाई लेवल पे आएंगे तो स्टैक पॉइंटर्स का बनेगा, स्टैक एड्रेसेस भी रखेगा आगे चलकर, लेकिन टॉस आज से लेकर कोर्स के एंड तक हमेशा अपने अंदर रखेगा इंडेक्सेस। क्लियर? जब तक स्टैक एरे से इंप्लीमेंट हो रहा है, जब तक स्टैक एरे से इंप्लीमेंट हो रहा है, याद रखिएगा। फ्लोट का स्टैक हो सकता है रजनीश, टॉस फ्लोट का नहीं होगा, टॉस को तो इंडेक्सेस रखने हैं ना। आप सोचो अगर फ्लोट का स्टैक भी है तो डेटा फ्लोट है, इंडेक्सेस तो इंटीजर्स ही होंगे, राइट? सो इट इज जस्ट अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट विच होल्ड्स द इंडेक्सेस ऑफ द स्टैक। ऑल द पुश ऑपरेशंस एंड पॉप ऑपरेशंस टेक प्लेस एट द इंडेक्स पॉइंटेड बाय टॉस। समझ आया? जब भी पुश होगा, जब भी पॉप होगा, टॉस वाली जगह पे होगा। कहां से पॉप कर रहे हो? टॉस वाले इंडेक्स से पॉप कर रहे हैं। कहां पुश करोगे? टॉस वाले इंडेक्स पे पुश करेंगे, राइट? समझ आया? ठीक है। और याद रखिएगा, टॉस इनिशियलाइज किससे होगा? इसमें दो थ्योरीज हैं मार्केट में दो थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं टॉस को जीरो से इनिशियलाइज करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं टॉस को -1 से करना चाहिए। हम लोग -1 वाली थ्योरी पे चलेंगे। इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, चॉइस आपकी है, आपकी पसंद है। जैसे आप याद करिए, सी में अगर आपने फंक्शंस पढ़े हो तो फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट, इनका नाम सेम रखें कि अलग रखें, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस। कुछ प्रोग्रामर्स को लगता है सेम अच्छा है, कुछ प्रोग्रामर्स को लगता है एक्चुअल फॉर्मल का नाम अलग अच्छा है, राइट? बिल्कुल ऐसे कुछ लोग कहते हैं टॉस जीरो से सही है, कुछ लोग कहते हैं -1 से सही है, हम -1 से लेकर चलेंगे। क्लियर टू ऑल, राइट? सो इनिशियली टॉस विल बी एट, नहीं इसके अलावा कोई और इंडेक्स पे नहीं रहता, याद रखना, कोई -2 -3 नहीं, सिर्फ दो ही चॉइस हैं, ईदर 0 or -1। सो इनिशियली टॉस विल बी एट इंडेक्स -1। हुआ क्लियर? समझ आया? ठीक। अब आपने एक सवाल पूछा था मेरे से, स्टैक पूरा फुल हो जाएगा और हम उसके अंदर डेटा डालेंगे तो क्या होगा, या ऑपोजिट, स्टैक में कुछ भी नहीं है और हम पॉप करेंगे तो क्या होगा। खुद कॉमन सेंस लगाइए, जब स्टैक पूरा फुल हो जाएगा तो क्या वो डेटा रख सकेगा? अगर स्टैक पूरा फुल हो जाएगा तो क्या वो डेटा रख सकेगा? नहीं रख सकेगा ना। ऐसी स्थिति को स्टैक में बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। कौन सी स्थिति? जब स्टैक फुल है और आप उसमें डेटा डाल रहे हैं तो स्टैक डेटा नहीं रखेगा, तो इसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। कौन चेक करेगा ओवरफ्लो बताइए? कौन चेक करेगा ओवरफ्लो बताइए? पुश। पुश चेक करेगा, टॉस की मदद से चेक करेगा, टॉस की मदद से चेक करेगा। लेकिन ये जिम्मेदारी तो पुश की होगी ना कि वो चेक करे कि स्टैक भरा तो नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक भरा है तो फिर पुश डेटा पुश ना करे। सही बोल रहा हूं मैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुश कि वो डिटेक्ट करे कि स्टैक में एलिमेंट्स जगह है कि नहीं है। अगर जगह नहीं है तो पुश बोलेगा स्टैक ओवरफ्लो। ऐसे ही गेस करिए, स्टैक में अगर कोई एलिमेंट नहीं है और आपने पॉप करा तो स्टैक कुछ दे पाएगा क्या? स्टैक कुछ दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, और ऐसी स्थिति को आप बोलते हैं स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, तो लास्ट वोकैबुलरी दो और आ रही है, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। क्या है ये? कुछ नहीं, ये स्टैक में आने वाली एरर कंडीशंस हैं। एरर कंडीशन मतलब जब पुश पॉप नहीं चल सकते। पुश तब नहीं चल सकता जब स्टैक ओवरफ्लो पे है, पॉप तब नहीं काम करेगा जब स्टैक अंडरफ्लो पे है। अब मुझे बताइए, पुश को कौन बताएगा कि स्टैक ओवरफ्लो पे है? जल्दी बताइए, हु इज गोइंग टू टेल पुश कि स्टैक में अब जगह नहीं है? यस, दिस इज टॉस हु इज गोइंग टू टेल पुश कि अब जगह नहीं है, अब डेटा मत लेना। दिस इज टॉस जो पॉप को बताएगा कोई डेटा नहीं है, डिलीशन मत करना। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? सो दीज आर कंडीशंस विच अराइज when we try to push
data in a full stack, right? Or we try to pop data from an empty stack, respectively. बताइए क्लियर हो गई सारी वोकैबुलरी? एवरीथिंग इज क्लियर? ये है इतनों पे आप स्टैक पे काम करते वक्त ये वर्ड्स खूब सुनेंगे.